है कि भगवान नंदी पर उल्टे बैठे थे। आपको पहले भी कथा में कहा, इंद्रदेव ने यह बात सामने रखी थी ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव भगवान शंकर से कहो कम से कम सीधे बैठ जाएं। तो पूछा क्यों, कि हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे, आगे से नंदी देखेगा पीछे से हम देखेंगे, इसलिए नंदी पर उल्टे बैठे थे, शादी करने जा रहे थे बिल्कुल उल्टे। सबसे अच्छी दिशा कौन सी होती है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? पूर्व और पश्चिम को लोग मानते हैं, पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? पूर्व और पश्चिम, ठीक है। पर शंकर उल्टे हैं, शिव उल्टे बैठे, इसलिए शिव आराधना कहां होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहां है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पंडित जी अगर बिठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पर शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूरब में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है, और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% है महाराज। उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता है, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता, उसमें कमता नहीं रहती। एक प्रैक्टिकल करके देखना, छोटा सा प्रैक्टिकल, छोटा सा है। मान लो किसी व्यक्ति को बहुत तेज बुखार आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज बुखार है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, और उसको बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज को बुखार बहुत तेज आ रहा है, और बच्चा तप भी बहुत रहा है। एक लोटा पानी महाराज लेकर जाइए, उल्टे हाथ में उस कलश को रखिएगा, सीधे हाथ से उस कलश के ऊपर हाथ रखकर लेकर ऐसे कैसे ही मंदिर में चले जाओ, शंकर जी के दक्षिण की ओर खड़े हो, उत्तर की ओर मुख करो, एक पात्र भी लेकर जाओ, उस पात्र को जहां से पानी गिरता है वहां रख दीजिए, और उस पानी को शंकर जी को चढ़ा दीजिए। उस पानी को लेकर जाओ, एक बाल्टी में डाल दो, दूसरा पानी उसमें भर लो, जिस व्यक्ति को बुखार आ रहा है उसको स्नान करा दो। 15 से 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट भी जान दो, अगर आपको लगता है कि शरीर ठंडा हो गया, और आधे घंटे बाद उसको फिर आप टेम्परेचर नापेंगे, बुखार धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगा, बुखार टिकेगा नहीं उसके शरीर। जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण करो। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो जम के बोलो, तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना, और तुमरुका जी के नाम का स्मरण कर धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करना, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो, ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से, और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवाधिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या तुम रूका जी से अपने हृदय की बात गुरु मानकर, संत मानकर, साधु मानकर, तपस्वी मानकर, साधक मानकर, उपासक मानकर, तुम रूका जी को आप जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाएं, शिव जी पर जल की धार चढ़ाएं, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाएं। आप जल चढ़ाते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर? बोलो जम के बोलो, जरा लाते हो ना, उसी में से
जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रुका जी से शिव जी से एक जो शिव के प्रबल सेवक हैं, जो शंकर के परम उपासक, जो शिव के दिन रात गुणगान करने वाले, ऐसे तुमरुका जी का नाम लेकर जो तुमने जल चढ़ाया है, वो जल चढ़ाकर उसका थोड़ा सा भाग लाकर अपने दरवाजे के चारों तरफ उसको छींटना या आचमन करना, एक घंटा डेढ़ घंटा दो घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुमरुका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है।